हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज से हम फ्रेंड्स मकर संक्रांति स्पेशल चालू करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमने जो लिया है ये तिल लिया है। फ्रेंड्स तिल हमने रेड वाली, यानी जो लाल कलर की तिल होती है वो ली है फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा यानी अच्छी होती है खाने में भी, और गर्म भी होती है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। सो फ्रेंड्स, हमने ये आधा किलो के करीब तिल लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके इसे सुखा लिया है अच्छी तरह से हमने। और इसे जब भी आप बनाए फ्रेंड्स, तिल को हमेशा अच्छे से वॉश कीजिए और उसे एक छन्नी से ऊपर ऊपर से छान के इसे अच्छे से धो के सुखाइए, वरना इसमें बारीक बारीक कंकर होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने आधा किलो तिल में हमने आधा किलो गुड़ लिया है, और साथ में हम पीनट ले रहे हैं यानी मूंगफली, जो भून कर हमने उसके छिलके उतार के दो टुकड़ों में करके रख लिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें घी लगेगा। फ्रेंड्स हमने आधा किलो तिल में आधा किलो गुड़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें मूंगफली भी यूज़ कर रहे हैं। हमने एक कप के करीब मूंगफली का दाना यूज़ किया है, हाफ करा हुआ। इसके लिए हमें गुड़ भी हम उतना ले रहे हैं, वरना आप थोड़ा सा कम कर सकते हो गुड़ को। सो फ्रेंड्स, अभी हम हमारी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई गरम करने को रख दी है। अब इसमें हमारी तिल को भूनना है, हमें तिल को अच्छे से भूनना है जब तक ये चटकने न लगे और इसमें से खुशबू ना आए, और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहे फ्रेंड्स, वरना आपकी तिल जल जाएगी। इसे कंटिन्यू हमें स्टर करते रहना है, फुल पावर पे हम इसे भूनेंगे जब तक इसमें चटकने की आवाज ना आए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये तिल भी अब चटकना शुरू हो चुकी है। इसे हमें एक से डेढ़ मिनट और भूनना है। वैसे हमारी तिल बहुत जल्दी भून जाती है फ्रेंड्स, इसे कंटिन्यू स्टर करते रहे, वरना नीचे से जलेगी तो आपके तिल कड़वाहट आ जाएंगी उसमें, तिल में। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके सबसे पहले मेरी लेटेस्ट वीडियो को अपने मोबाइल पे देखिए। फ्रेंड्स, ये हमारी तिल भी अच्छी तरह से भून चुकी है, अब इसमें चटकना भी शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स। अब हम गैस का बंद कर देते हैं और हमारी तिल को अलग निकाल लेंगे। अभी उसमें हमारी ये भुनी हुई मूंगफली जो डाले थे हमने, वो मिक्स कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम उसी कढ़ाई में घी डालेंगे, एक टीस्पून के करीब घी डालेंगे फ्रेंड्स इसमें। इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। और इसे हमें गुड़ को भी हमें मेल्ट होने देना। हम गैस का पावर थोड़ा मीडियम कर देंगे और हमारे गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। इसे हमें कंटिन्यू ऐसे पलट ये करते रहना है फ्रेंड्स, ताकि ये नीचे में लटके ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम चेक करते हैं कि हमारा ये पाक सही बना है या नहीं। अगर हमारा पाक सही बनेगा फ्रेंड्स, तो इसमें हम पानी में डाल के इसे पहले चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये पाक को हम हमारे इस पानी में डाल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट हमारा पाक तैयार हो चुका है। हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट तैयार है हमारा पाक। अब इसमें हम हमारे तिल और मूंगफली ऐड कर देंगे। इसमें हमारी तिल और मूंगफली को ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अच्छी तरह से हमारा हो चुका है। इसे हल्का सा ठंडा होने दिए हमने, ज्यादा ठंडा ना होने दिए, वरना आपके लड्डू नहीं बनेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पानी का हाथ लेते हैं, ऐसा हाथ को हम पानी से गीला करेंगे और हमारे ये लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये गरम गरम में ही अच्छे से बनेंगे फ्रेंड्स, बाद में नहीं बन पाएंगे।
पानी का हाथ लेके इसे अच्छे से हम लड्डू बनाएंगे इस तरह से। ज्यादा पानी का हाथ ना लेना फ्रेंड्स, हल्का सा हमारे हाथ में ना चिपके इसके लायक ही हमें पानी का हाथ लेना है। ये गरम गरम में ही बनता है फ्रेंड, थोड़ा सा गरम तो लगेगा ही हाथ को, लेकिन ये इसी में अच्छे से बनेगा। इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट लड्डू हमारे बन रहे हैं। इसी तरह हमें सारे लड्डू को बनाना है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गए हमारे तिल और पीनट यानी मूंगफली के परफेक्ट लड्डू। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन, प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।